अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं करने लगी हूँ आज रमज़ान की प्री प्रेप, लेकिन उसके लिए पहले सबसे मैं फैमिली के लिए खाना बना लूँ और फ्रीज़र प्रेप जो है वो बहुत इजी है, और इंशाल्लाह आप देख के फ़ौरन फ़ौरन जो भी आपने उसमें से टिप्स फॉलो करनी हुई आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा कैंडल भी बर्न करते हैं, ज़रा अच्छी अच्छी खुशबू आ जाए और तैयारी स्टार्ट करते हैं। पहले प्याज और अदरक लहसुन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी और उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूंगी। मेरे पास कोई टमाटर नहीं थे तो मैंने ये जो कैन था, मतलब वो था बॉक्स था चॉप टोमेटोज का, वो मैंने डाल दिया है। साथ में इसमें मैं डालूंगी नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। लाल मिर्च को मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मिशारी माशाल्लाह से अब मेरे खाने बहुत शौक से खाते हैं, बस उसके एक नखरा होता है कि मुझे स्पाइस नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग हरी मिर्चों का जो पिकल है वो साथ में यूज़ कर लेते हैं और मिशारी शौक से खा लेता है। अच्छा, जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैं ये प्री प्रेप स्टार्ट कर दी है मैंने फ्रीज़र के लिए। मैं बनाने लगी हूँ बड़ी मज़े की खट्टी खट्टी सी हरी चटनी। तो उसके लिए मैं धनिया पुदीना वगैरह साफ कर रही हूँ, फिर साथ में मुझे जिंजर और गार्लिक भी मतलब छीलना है, और लेमन वगैरह हरी मिर्चें वॉश करनी है। छोटे छोटे से काम है तो सोचा वो निपटा लेती हूँ। ये लेग पीस का पैकेट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं, और बस इसको मैं अच्छी तरह से पकने रख दूंगी हल्की आग पे, तो पानी खुद ही छोड़ेगी। ये देखिए एक बहुत अच्छी टिप है, गार्लिक हेड को ना इस साइड से, रूट्स वाली साइड से अच्छी तरह से आप हैमर से बीट करेंगे ना तो आधी से ज़्यादा जो उसके क्लोव्स हैं वो तो खुद ब खुद खुल जाती हैं। ये ज़रूर ट्राई करके देखें, क्विक सा ट्रिक है, लेकिन आपने ज़ोर ज़ोर से इसको हैमर करना है, ठीक है। चिकन काफी हद तक गल गया है तो इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी आलू। मुझे है काम की काफी जल्दी तो मैंने आलू डाल के भुनाई कोई नहीं की और बस पानी डाल दिया और इसे कवर करके मैं पकने रख दूंगी। जब तक जो चिकन है वो पकेगा आलू भी तैयार हो जाएंगे। चलें जी, तैयारी नंबर वन। ये फ्रोजन चिकन मैंने निकाला है और इसके मैं क्यूब्स छोटे छोटे काट लूंगी। इसको मैंने डीफ्रॉस्ट नहीं किया क्योंकि एक बार चिकन डीफ्रॉस्ट कर लें फिर दोबारा फ्रीज नहीं करना होता, तो इसके मैं क्यूब्स काट के ना तो इसको फ्रीजर में रख लूंगी ताकि मुझे जितना सा चिकन चाहिए हो किसी पिज्जा के लिए, पाए के लिए, किसी सैंडविच के लिए, उतना सा ही सिर्फ मैं जल्दी जल्दी निकाल के डीफ्रॉस्ट कर लूँ। साथ में कीमे के भी छोटे छोटे पीसेस मैंने बना दिए हैं क्योंकि जितना मुझे अंदाजा है कि मुझे एक बार में चाहिए होगा, बजाय ये कि पूरा पैकेट निकालूं और उस वक्त ये काम करूं, अभी से बना के मैंने इसको फ्रीज कर दिया वापस। बस मेक श्योर कि आपने डीफ्रॉस्ट नहीं होने देना मीट। इसको मैं जिपलॉक बैग में डाल के सिंगल लेयर में मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी और इस तरह से मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितना सा मुझे चिकन चाहिए तो वो मैं निकाल के यूज कर लूंगी। 2 मिनट लगेंगे इसको डीफ्रॉस्ट होने में। रमजान प्रेप के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि पहले चीजों की प्रिपरेशन करना, उसके बाद किसी को आपने कटिंग करनी है, किसी की चॉपिंग, किसी की फ्रीजिंग, वो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो अभी मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए ये कर लिया, ये तो वैसे भी ड्यू थी, और उसके अलावा ये हरी मिर्चें मैंने काट के चॉप करके रखनी है क्योंकि हर दफा हरी मिर्चें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेश लेमन का जूस निकाल के रखना है और ये चटनी बनानी है, धनिया पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, और आज मैं आपसे 2 तरह की तो शेयर करूंगी, थर्ड चटनी देखूंगी शेयर करनी है नहीं। और उसके अलावा सबसे मजे की बात कि ये अनार दाने हैं, अनार को ऐसे ही फ्रीज करते हैं ना, चाहे जितना मर्जी उसको एयर टाइट करके फ्रीज कर ले, जब वो डीफ्रॉस्ट होते हैं ना तो वो ऐसे सारा इनका जूस निकला होता है और ऐसे सॉगी से हुए होते हैं। तो मुझे इस दफा आइडिया ये आया कि मैं पानी के साथ इनको आइस क्यूब्स में फ्रीज करके रखूं, तो फिर उस आइस क्यूब को यूज करके देखा जा सकता है मेल्ट करके। तो आज मैं इसको फ्रीज करूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि वाकई अनारदाने अच्छे से फ्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है कि बहुत सारी चीजें जिसमें अनारदाने या तो यूज होते हैं या उनके ऊपर आपने डेकोरेशन के लिए डालने होते हैं, लेकिन एक अनार छीलने में इतना टाइम लग जाता है। घर में कोई भी नई चीज आती है ना तो बच्चों को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। मिशी की खुशी देखने वाली थी कि मम्मा मैंने प्रेस करना है, और इतना हैप्पी हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। और लेकिन जब प्रेस करता था मैं कहती रह जाती थी बस मिशू हो गया छोड़ो, तो वो हटाता नहीं था हाथ। अभी देखें तो खैर मिशी ने काफी इंजॉय किया और ये बहुत अच्छा था, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि सिंगल साइड से इसको प्रेस करें तो फिर ये नहीं चलता, दोनों साइड पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है तो ये ऑन होता है।
तो इसके ऊपर लेमन बारी बारी मैंने सेट कर लिया, और जब ये इकट्ठे प्रेस होंगे तो तब ये स्टार्ट होगा। अच्छी लगी है मुझे ये मशीन, वैसे इसमें जल्दी जल्दी काम हो जाता है। रमज़ान में लेमन का इस्तेमाल बहुत होता है, चाहे तो वो कोई ड्रिंक्स होते हैं या फिर वो चाट वगैरह होती है ना, तो बार बार लेमन काट के उसका जूस निकालना और वो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये लेमन जूस निकाल लिया है और इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट हो लेमन का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन उसकी वो बात नहीं होती जो फ्रेश लेमन जूस की होती है, तो इसलिए मैंने फ्रीज़ कर लिया। ये जो आइस क्यूब्स हैं ना, ये थोड़ी स्टिकी बनती हैं क्योंकि लेमन जूस है ना इसलिए, बट काम हो जाता है फिर भी। इस वीडियो के बाद भी एक रमजान प्रेप की वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी जब, तो उसमें मैं आपसे ये सारा फ्रोजन वाला रिजल्ट भी शेयर करूंगी। स्पेशली ये अनार वाला ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। और अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर आप ये जरूर जरूर फॉलो कीजिएगा, दुआ करें कि इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। वैसे मुझे लगता तो है कि अच्छा आएगा रिजल्ट, क्योंकि पानी डाल के मैं इसको फ्रीज कर रही हूँ ना, तो पानी इसकी जो फ्रेशनेस है उसको प्रिजर्व कर लेगा। दिस इज व्हाट आई होप फॉर। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, अब बना लेते हैं हरी चटनी। उसके लिए मैंने लिए हैं गार्लिक क्लोव्स। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसमें मैंने डाला है फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना, और साथ में जा रहा है जीरा, साबुत जीरा, और पानी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। नमक हम इसमें लास्ट में डालेंगे, नहीं तो क्या होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा ही लिक्विड हो जाता है, पानी छोड़ देती है ये चटनी। तो ये इतनी ढेर सारी चटनी मैंने तैयार कर ली है, दो बैचेज में मैंने इसको ब्लेंड किया है, मिनिमम सा पानी डाला है, और साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। मैंने ये बॉटल वाला यूज़ किया, इसमें और कुछ भी नहीं है, नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं, सादी इमली का पेस्ट है। आप भी घर पे फ्रेश इमली का बना के यूज़ कर लें। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और खटाई कितनी रखनी है वो आप अपने हिसाब से देख लें, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा बहुत बहुत मज़े की बनती है, और खट्टी खट्टी तो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर इसमें हरी मिर्चें डाली होती तो क्या ही बात थी, मैंने मिशारी की वजह से नहीं डाली। आप हरी मिर्चें इसमें ज़रूर डालिएगा, फिर देखें डबल मज़ा हो जाएगा। अब इसको भी मैं आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, और जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैं इसको जिप लॉक बैग्स में पैक कर लूँगी। ये मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अब बना लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि वैसे भी ख़त्म हो गई थी, बनानी ही थी, तो इसके लिए सिर्फ जिंजर और गार्लिक होता है। साथ में पानी डाल के मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ और इसको मैं फ्रीज कर लेती हूँ। इजी पीजी, बस इसमें मैंने डाल दी आइस क्यूब्स में, ये छोटी छोटी सी आइस क्यूब्स वाली ट्रे है, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया हुआ कि ये ना एक जो क्यूब होती है वो हाफ टी स्पून के बराबर होती है, तो उसी हिसाब से मैं क्यूब्स फिर सालन में डालती हूँ। चलें जी, अब आपसे ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करती हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ये है आमचूर का पाउडर, और ये देखें इसकी मैं चटनी बनाने लगी हूँ। एक कप मैंने आमचूर का पाउडर लिया, और इसमें एक कप मैंने पानी डाला है, और इसके सारे लम्ब्स जितने भी हैं ना वो हम ब्रेक कर लेंगे, बाकी पानी हम अभी थोड़ी देर में ऐड कर लेंगे। इतनी मज़े की ये खट्टी मीठी चटनी बनती है, और क्या ही मज़े की। इसमें मैंने स्पाइस भी डाली थी, क्योंकि मुझे पता ये मिशी नहीं खाएगा क्योंकि खट्टी बहुत है, तो इसलिए मैं इसमें दिल भर के मिर्ची अपनी मर्जी से डालूं। अच्छा, जब लम्ब्स ब्रेक हो गए हैं तो मैंने इसके अंदर पानी भी डाला और एक कप और डाला है, और अब इसको हल्की आग पर मैंने पकने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में ये ज़ीरा पाउडर, और अब ये जाएगा इसमें गर्म मसाला पाउडर। ये मैंने ऐड किया काला नमक, और लास्ट में मैं इसमें जिंजर पाउडर डालूंगी। वो आपके लिए ऑप्शनल है, बेशक आप ना डालें अगर नहीं है, लेकिन फ्रेश जिंजर डालना नहीं है आपने इसमें, ठीक है, बस पाउडर हो तो वो डालें। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं शुगर भी डालूंगी, क्योंकि हमने बनानी है खट्टी मीठी सी चटनी, तो आधा कप चीनी डाली है। पहले मैं इसको टेस्ट कर लूंगी, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डालूंगी। इसी टाइम पे इसमें फूड कलर भी मैंने रेड डालना था, लेकिन वो मेरे जहन से निकल गया था, तो आप इसी टाइम पे डाल लीजिएगा। और बस एक कप पानी मैंने और डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको सारी मिल जाएगी, तो वो चेक कर लें। इसको मैंने इतना पकाना है 3 से 4 मिनट बस, कि ये ना थिक हो जाए। ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये जहन में रखना है कि आप जितनी आप इसको थिक करेंगे ना ठंडी होने के बाद, उससे डबल थिक हो जाएगी, ठीक है। सो ये कंसिस्टेंसी है गरम गरम चटनी की जो मैंने रखी है, और ठंडा होने पे इससे डबल थिक हो जाएगी।
इसको मैं छान लूंगी ताकि स्मूथ सी बिल्कुल चटनी जो है ना वो मुझे मिल जाए। ये तो पराठे के साथ खा सकते हैं। मजा आ गया यार खाना। इसमें तो मैंने मिर्ची भी डाल दी है ताकि हम एंजॉय कर सकें। वल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो पराठे के साथ कल सुबह ही खा लूंगा मैं इसके साथ इंशाल्लाह। मेरे जो है ना टू डू आइटम्स में आ गई है। ये भी रेसिड्यू काम का है नहीं, ये ऐसे ड्राई ड्राई सा ऐसे पाउडर पाउडर सा लग रहा है। मैंने काम पे तो कोई बात नहीं, इसको मैं कल जैम की जगह यूज करूंगा। नहीं नहीं ये नहीं, आपकी फ्रेश ले लेना, सही वाली असली वाली ले लेना। क्या खुशबू आ रही है घर में यार। सही मैंगो चटनी टाइप मिक्स स्मेल नहीं होती, वो आ रही है। मजा आएगा आपको चीजों को डालना। छान लिया मैंने इसको और ये थोड़ा सा जो है ना वो ठंडा हो गया था तो वापस मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया क्योंकि मैंने इसमें डालना है फूड कलर। तो फूड कलर जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, उससे कलर और लुक बहुत अच्छी चेंज हो जाती है। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी चार मगज। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपने ना डालनी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक और कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। अभी आप देखेंगे इसकी फाइनल लुक। ये तो आप पकोड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। शहजाद ने तो कहा था कि नाश्ते में पराठों के साथ खाएंगे और उसके अलावा आप जो भी चाट वगैरह बना रहे हैं उसके ऊपर भी ये बहुत टेस्टी लगती है। सो जरूर ट्राई कीजिएगा। खट्टी मीठी चटनी जिस भी काम के लिए आप यूज करते हैं ना ये बहुत मजे की आपको लगेगी। इसको छान के दूं ये इसमें ना वो नट्स हैं, ये ऐसे ही दूं बच्चों को मेरे साथ। मजा आ गया ठंडा ही डाल के और मजा आएगा। ये वही बात हो गई कसम से, गर्मियों के अंदर जो है वैसे ही जो है इधर एसी नहीं है ना। नहीं ये यूनिट है लेकिन बंद है, सिर्फ लिटरली फील हो रही ठंडी हवा आ रही है कैसे वो फील हो रही मुझे। मुझे तो लगता है आते इस वक्त तक ना मुझे कंबल लेना पड़ना है अब। मजा आ गया है तो हम भी को बहुत मजे का लगा है। और वो मिशी जो है एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था कि जाहिर है उसके मुंह में ग्रेन्स आएंगे तो वो नखरे करके चला जाएगा। कसम से यार क्या कमाल की चीज बना दी आपने गुड़िया। रमजान में मजा आएगा ना, ठंडक आएगी ना, ठंड पड़ेगी। अच्छा मैं स्मेल कर रहा था ना इसको जो गुड़िया ने बनाया वो उसको इटसेल्फ स्मेल करके ना ठंडाई पाउडर की बात कर रहे हैं। हाँ क्या फ्रेश फीलिंग होती है, ठंड आ जाती है। तो इसको पीने के बाद तो जो है मेरी अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है बहुत ज्यादा। मजा आ गया यार कसम से, इट्स रियली वेरी गुड। क्या क्या इसके अंदर? ऑफ कोर्स आपने मुझे बताया जो पिस्ता है उसमें और फिर थोड़ी सी शुगर होगी शायद। हाँ शुगर तो है। आई थिंक इसमें सिनेमन भी है। नहीं रॉन्ग क्रॉस। ओके नहीं पता बिल्कुल। बादाम पिस्ता और जो है किशमिश। अच्छा किशमिश है। हाँ और इसके अंदर इलायची है, सौंफ है और इसके अंदर फिर वो भी है क्या कहते हैं सीड्स नहीं होते वो मेलन सीड्स वो भी हैं। एक और चीज़ कुछ मिस हो गई है मेरे से, चीनी। हाँ और रोज पेटल्स भी हैं। इतनी सारी चीज़ों की मेरे अंदर ताकतें आ रही हैं, मुझे फील हो रही है कि आपने जैसे बताया है ना उड़ना ना शुरू हो जाने दो ऐसे थोड़ी है आप। हाँ इतनी सारी चीज़ों की जो है ना मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है कसम से। नहीं मजा आ रहा है बाकी आई एम एंजॉयिंग, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। मजा आ गया यार गुड्डू। थैंक यू रियली गुड। देखिए मुझे अफसोस एक चीज का है, मुझे लगता है कि करना ही पड़ना है। जब इतना मजे का हो तो आईकिया का जो इस तरह का बड़ा नहीं है वो इतना ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या बात है यार, लिटरली इतना बड़ा ग्लास ला के रखना चाहते हैं। इतना नहीं, ये ख्वाहिश है जो मैंने उनकी पूरी नहीं की, इतना बड़ा ग्लास मैं दो दो दफा ब्लेंडर में जग में चीजें बनाऊंगी, मुझे ये बताएं। मेरी ख्वाहिश है वो कि वो हो, आपके ख्वाहिश में मिलेगा उसमें भी एक ग्लास ही इतना सही, उसको पीने एक जग में जितनी चीजें आती है वही है। उसको पीने के बाद मैं कहता स्वाद आ गया बात शो, आप दो दफा पी लेना आपको स्वाद आ जाएगा। एक में नहीं हो सकता, दो दफा भर भर के जो है एक उसका मजा अपने में लेकर आऊंगा, जरूर दिखाऊंगा आपको किसी ब्लॉग में। चलो के अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की वीडियो, कल की वीडियो में इंशाल्लाह कुछ बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ होंगी जो मैं आपसे फ्रीज़र प्रेप के लिए शेयर करूंगी और वो हर घर में इंशाल्लाह इजीली बन जाएंगी। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और ये जो आज मैंने आइटम्स फ्रीज़ किए हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी इनका रिजल्ट। तो मैंने अपने लिए हरी मिर्चें डाली हैं, मैं खाने लगी हूँ खाना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।